खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रावीण्य सूची बनाने वाले 125 छात्र छात्राओं ने हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद लिया। 7 सीटर हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 विद्यार्थियों ने बैठकर सर का आनंद लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर प्रदेश में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जा रहा है। 7 सीटर हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 विद्यार्थियों ने सैर की। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुलिस ग्राउंड में प्रतिभा सम्मान समारोह वर्ष 2022 का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और सचिव भारती दासन हेलीपैड पहुंचे। यहां उन्होंने मेधावी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैंने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कला संकाय से 95.40% हासिल किए थे और मेरा 6वां रैंक आया था। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हमारे हेलीकॉप्टर राइड के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इसे सभी स्टूडेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने 12th के मेरिट लिस्ट में 95% के साथ 6th रैंक हासिल किया था और आज हमें यहाँ लाया गया है हेलीकॉप्टर राइड के लिए, जो हमारे स्टेट के CM भूपेश बघेल जी द्वारा स्टूडेंट्स को बोला गया था कि मेरिट स्टूडेंट्स के लिए हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा और ये बहुत अच्छी उनकी एक बहुत अच्छी पहल है। जो आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में के पहले छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान का पहला जो राज्य है, जो बच्चों को जो टॉपर हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये घोषणा किया था कि जो बच्चे टॉपर आएंगे 10वीं में 12वीं में उनको हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम कराया